जितनी भी छोटी गाड़ी हो या बड़ी गाड़ी हो सारी सर्टिफाइड होंगी ना अपनी? सारी सर्टिफाइड सर, गाड़ी चली है सिर्फ 3,000 किलोमीटर। हेलो एवरीवन, दिस इज अमर खान एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है इसके ब्लॉग की एक और नई वीडियो में। तो आज मैं आ चुका हूँ फिर से चाचा मोटर्स। आप सब समझ ही गए होंगे वीडियो का टाइटल और थंबनेल देखकर। तो जैसे कि सर हमें फर्स्ट ऑनर और दिल्ली नंबर ही गाड़ी दिखाते हैं, और जो व्यूवर्स हैं जो देखते हैं चाचा मोटर्स की वीडियो उन सबको पता है। तो सर साथ में है, सर क्या हाल चाल? बहुत अच्छा, आप काफी टाइम बाद वीडियो लेकर आ रहे हो, क्या बस ऐसा ही है? प्यार दर्शकों का आपके व्यूअर्स का बहुत ज्यादा है, स्टॉक आने से पहले ही अभी कमिंग सून में अपडेट होता है, पहले ही सोल्ड आउट हो जाती है कार। ओके, तो लगभग 1-1.5 महीने बाद वीडियो आ रही है, कुछ नया देखने को मिलेगा चाचा मोटर्स पे? नया सर ये है, अब हम चाचा मोटर जो है कार वाले फ्रेंचाइजी डीलर है। ओके, अब जितनी भी कार होंगी सारी सर्टिफाइड मिलेंगी। ओके, और जो वारंटी एलिजिबल होंगी वो वारंटी भी अब कस्टमर प्रोवाइड करा सकते हैं। ओके, तो बोर्ड वगैरह लग गए हैं कि नहीं? अभी लग गए सर, सारे स्टार्टअप हो गए स्टार्टअप। ओके, तो आज की वीडियो में क्या क्या गाड़ी देखने वाले हैं? हैचबैक और सेडान मिक्स दिखाएंगे ऑप्शन ज़्यादा। ओके, प्राइस वगैरह लो प्राइस की कौन सी होगी आज? अप्रॉक्सीमेटली 165 से स्टार्टिंग रेंज है आज की। ओके, 65 से लेके 6-6.5-7 लाख तक की रेंज आएगी। ओके, तो अपना डीजल पेट्रोल सीएनजी वगैरह है? डीजल में एक आधा ऑप्शन है, पेट्रोल और सीएनजी में ज़्यादा ऑप्शन है। ज़्यादा ऑप्शन है, और सीएनजी की डिमांड भी काफ़ी समय बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो एड्रेस नंबर वगैरह सारा मिल जाएगा सर का डिस्क्रिप्शन में और स्टार्टिंग में, तो कॉल वगैरह कर सकते हैं। तो सर पहली गाड़ी हम i10 देख रहे हैं दिल्ली नंबर की, हुंडई i10 2011 मॉडल है। ओके, सीएनजी ऑन पेपर है, फर्स्ट ओनर कार है और बहुत ही अच्छी मेंट कंडीशन में है। इंटीरियर अगर आप देखेंगे, बकेट सीट कवर वगैरह कस्टमर ने एक्स्ट्रा लगवाए हुए हैं आफ्टर मार्केट, और आपका न्यू टायर्स अभी इंस्टॉल हुए हैं। ओके, चारों टायर ब्रांड न्यू होंगे? हाँ जी, MRF के ब्रांड न्यू टायर है, कस्टमर को कुछ भी नहीं कराना, चलाना है कार। ओके, सीएनजी पे अगर माइलेज वगैरह देखते हैं क्या मिल जाती है? ये सर सिटी में अप्रॉक्सीमेटली 16-17 देगी आपको, हाईवे पे 19-20 इजीली देगी। ओके, ऑनर सिंगल होगा? फर्स्ट ऑनर सर। ओके, मैकेनिकल तो कोई दिक्कत परेशानी? बिल्कुल कोई इशू नहीं है, सारी सर्टिफाइड कार होंगी, नॉन एक्सीडेंटल। और अब तो बोर्ड वगैरह भी लग गए हैं सर्टिफाइड, और गाड़ी मिलेंगी? पहले भी मिलती थी लेकिन अब और मिल जाएंगी। थोड़ा सा कस्टमर को डाउट रहता था उनके लिए, हमें अब ये है कि अब हम ऑनलाइन उसको रिपोर्ट एक प्रोवाइड करा सकते हैं जिसमें इनके इंजीनियर आते हैं कार वाले के, पूरा चेकअप होता है कार का। okay. उसके बाद रिपोर्ट बनाते हैं वो रिपोर्ट हम कस्टमर को अब दिखा सकते हैं, उनको सारी तसल्ली हो जाएगी। सारी तसल्लियाँ हो जाएंगी। तो सर क्या प्राइस है इस गाड़ी का? प्राइस सर इसका 2,20,000, 2,20,000 की। 2,20,000 रुपये, और नेगोशिएबल वगैरह है अभी? सर ऑलमोस्ट फाइनल है इस समय, हैचबैक और प्लस सीएनजी अगर देखोगे बहुत डिमांड है, बहुत मुश्किल कस्टमर से प्रोक्योर कर पा रहे हैं जी, ऑलमोस्ट फाइनल है, छोटा मोटा मान सम्मान बिल्कुल कर देंगे। ओके, तो 2,20,000 रुपये आ सकते हो। और बढ़ते हैं यहाँ पे एक और नेक्स्ट गाड़ी पे सर, सिल्वर कलर की रिट्स है सर, ये डीजल में है, जो डीजल में कार चाहते हैं स्विफ्ट वाला सेम इंजन आता है, सेम ही कार ऑलमोस्ट लगती है स्विफ्ट जैसी है। ओके, 2014 का मॉडल है, फर्स्ट ओनर है। ओके, और कार चली है 78,000 कंप्लीट सर्विस रिकॉर्ड के साथ। 78,000? हाँ जी, 78,000 कंप्लीट सर्विस रिकॉर्ड के साथ चली है, सिंगल ओनर है, फुल इंश्योर्ड है। ओके, ये प्योर पेट्रोल होगी? डीजल सर, डीजल में है। ओके, डीजल VDI वेरिएंट है। ओके, माइलेज वगैरह क्या आएगी? डीजल में तो सर आपको पता ही है, हाईवे पे 23-24 इजीली देती है, सिटी में 17-18 दे देती है कार। ओके, तो देख सकते हो सभी गाड़ियों के ऊपर ये मिल जाएगा अपना कार वाले का 99% हमारा सारा स्टॉक सर्टिफाइड ही हम प्रोक्योर इसलिए रखते हैं कि हमारा क्राइटेरिया ही वही है। ओके, 2011 से जो भी अब मॉडल होगा वो सर्टिफाइड ही मिलेगा हमारे पास, 11 से नीचे कंपनी नहीं करती। ओके, तो VDI में अपना फीचर्स वगैरह क्या आ जाएगा? सारे फीचर आ जाते हैं सर इसमें, AC, हीटर, चारों पावर विंडो, पावर स्टीयरिंग, कंपनी म्यूजिक सिस्टम, सारे बेसिक फीचर आते हैं। ओके, और टायर वगैरह अपने जैसे चारों ब्रांड न्यू टायर्स नए हैं, सर्विस होके आई हुई है जी, सिर्फ दो बम्पर कार में पेंट है, सारी ओरिजिनल पेंट है, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेंटेन कार देख रहे हैं ना उसके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। ओके, तो क्या डिमांड प्राइस इस गाड़ी का? सर 3,35,000, 3,35,000 रुपये। हाँ जी। ओके, 2014 VDI नेगोशिएबल है स्लाइटली सर, होगा मान सम्मान भी गाड़ी दिखा रहे हैं सब में, थोड़ा बहुत नेगोशिएबल तो हो ही जाएगा। थोड़ा बहुत ये होता है मान सम्मान के लिए है, बाकी कोई लार्ज अमाउंट की कोई सोचे वो फिर भी एक आइडिया कितना तक हो, 2,000-5,000 किसी में, 7,000 इतना बस रिगार्ड के लिए, बस इतना ही, कोई मतलब ज्यादा सोच करना, ज्यादा सोच। ओके, और जो डिटेल बताते हैं सर एग्जैक्ट आपको वही डिटेल मिलती है, आप कॉल करते हैं या यहाँ शोरूम पे अपने आते हैं तो? बिल्कुल। ओके, तो बढ़ते हैं सर यहाँ पे एक और व्हाइट कलर की जेन एस्टीलो है सर, VXI वेरियंट है। Okay. जो वैगनर टाइप देखते हैं सेम वैगनर का इंजन आता है इसमें। ओके,
और 2013 है, टॉप फुल इंश्योर्ड है, गाड़ी चली है 43,000 कंप्लीट सर्विस रिकॉर्ड के साथ। 43,000 ओके। और जैसे डेंट पेंट गाड़ी में अगर सिर्फ दो बम्पर पेंट है, सारी ओरिजिनल पेंट की है। ओके, और गाड़ी में क्या फीचर इसमें सर? VXI है, चारों पावर विंडो, पावर स्टीयरिंग, AC, इलेक्ट्रॉनिक साइड मिरर, सारे बेसिक फीचर आ ही जाते हैं। ओके, तो जितनी भी छोटी गाड़ी हो या बड़ी गाड़ी हो, सारी सर्टिफाइड होंगी ना अपनी? सारी सर्टिफाइड सर, सारी सब पे जो वारंटी एलिजिबल होंगी, जो क्राइटेरिया के अंदर है, सब पे लिखा हुआ है। ओके, तो सारे आपको मिरर्स पे ये मिल जाएगा, फ्रंट मिरर्स पे कार वाले सर्टिफाइड, वारंटी वगैरह जो भी है सारे पे मिल जाएगा। और इस गाड़ी की अगर हम माइलेज वगैरह बात करते हैं, क्या है ये माइलेज? तो सर आपको पता ही है, के सीरीज मारुति के इंजन की बहुत अच्छी है, तो इसमें कोई डाउट करने की, 20 के आसपास तो इजीली देगी सर। देगी, ओके। पेट्रोल पे? पेट्रोल पे तो इजीली देगी सर। ओके, तो क्या डिमांड है इस गाड़ी का? ये 2,35,000 की, 2,35,000। ओके, और छोटा मोटा मान सम्मान जैसे कि सन्ने बोला, हर गाड़ी पे लगभग हो ही जाएगा। और यहाँ पर एक और सर, फोर्ड की फिगो। फोर्ड फिगो सर। ओके, ये भी वाइट कलर? वाइट कलर है, 2015 का मॉडल है, पेट्रोल में। ओके, ZXI उस समय टॉप वेरिएंट आता था वो है। गाड़ी का प्लस पॉइंट ये है, सिर्फ 33,000 चली है, 33,000 कंप्लीट सर्विस रिकॉर्ड के साथ चली है। ओके, सारी ओरिजिनल ही है, सिर्फ एक क्वार्टर पैनल और पिछला बम्पर पेंट हुआ है। ओके, किसी भी गाड़ी में मीटर तो बैक वगैरह की कोई रिपोर्ट? सारी गाड़ियां विद सर्विस रिकॉर्ड ही चली होती हैं मोस्टली। जिसकी सर्विस बाहर हुई होगी वो हम आपको बता के देंगे, जिसकी कंपनी से है वो भी बता के देंगे। ओके, मतलब कोई अपना कुछ छुपाने वाली बात? छुपाने वाला नहीं है, ट्रांसपेरेंट डील होती है। ओके, जो भी होगा वो कस्टमर को रियल बता दिया जाएगा। ओके, इस गाड़ी में फीचर्स वगैरह या कुछ आफ्टर मार्केट गाड़ी में है? आफ्टर मार्केट सर बकेट सीट कवर लगे हुए हैं, बाकी ऑलमोस्ट रिमोट की, पावर विंडो, पावर स्टीयरिंग, AC, कंपनी म्यूजिक सिस्टम, सारे फीचर्स आते ही हैं कार में। ओके, मैकेनिकल वगैरह कोई परेशानी? बिल्कुल ब्रांड न्यू है सर, 33,000 फोर्ड की गाड़ी के लिए जो रखता है उसको पता है, कुछ नहीं माने रखता। ओके, फोर्ड ब्रांड काफी मतलब माना जाता है, हैवी कार्स होती हैं बॉडी वाइज। ओके, सात के टायर्स हैं अभी, चपनी अनयूज्ड है, सेकंड की अनयूज्ड है, मतलब बहुत मेंटेन कंडीशन में जी। तो क्या डिमांड है इस गाड़ी का सर? 3,35,000, 3,35,000 रुपए। ओके, और छोटा मोटा मान सम्मान? छोटा मोटा सर रिगार्ड कर देंगे बिल्कुल। ओके, तो एक और वाइट कलर, इस वीडियो की तीसरी वाइट कलर की सर, ऑल्टो। ऑल्टो है सर, 6 महीने पुरानी, सिर्फ 6 महीने पुरानी, सिर्फ 6 महीने पुरानी है, LXI वेरिएंट है पेट्रोल के अंदर। ओके, गाड़ी चली है सिर्फ 3,000 किलोमीटर, 3,000, और कस्टमर ने एक्सटेंडेड वारंटी भी कराई हुई है, 2 साल की कंपनी देती है, 3 साल की एक्सटेंडेड वारंटी भी है, तो 2025 तक अभी 2025 तक की वैलिडिटी है, कोई इशू का जरूरत नहीं पड़ेगा कस्टमर को, हेडेक नहीं है, कुछ भी परेशानी होती कंपनी फ्री में करके देगी, कंपनी फ्री में करके देगी। ओके, परेशानी है कोई? ये तो सर एज गुड एज न्यू है, मतलब जैसे आप शोरूम से निकाल रहे हैं वैसे ये 3,000 किलोमीटर। ओके, 3,000 चली हुई, फर्स्ट ऑनर, दिल्ली का नंबर होने वाला है, और सारे फीचर्स वही जो है, आते हैं, चेंज वगैरह कुछ नहीं? कुछ नहीं है। तो क्या डिमांड है इस गाड़ी का? ये सर पड़ेगी 3,60,000 की रेंज में, 360। 3,60,000 नहीं, कितने की आती है? 4,20 की भी है, 4,20 की, 6 महीने में 60,000 की सेविंग है सीधी सीधी। ओके, ये क्या अभी कंपनी वाला है या अभी? नहीं सर, ये हमने थोड़ा लुक के लिए लगाया। ओके, लुक के लिए कर रखा है क्योंकि ब्रांड न्यू गाड़ी है, तो कंडीशन देख सकते हैं। सर एक और i10? i10 है सर, ये 2013 का मॉडल है। okay, और 1.2 इंजन में, जिसे हम कापा इंजन भी कहते हैं, जो ग्रैंड में आगे कंटिन्यू हुआ था जी, 13 तक ही लास्ट आया था ये इंजन। ओके, एक हमने पहले भी i10 दिखाई है ना? हाँ, i10 सर 2-3 हैं अभी हमारे पास, 3-4 ऑप्शन मिल जाते हैं, मतलब कस्टमर आएगा तो वो जाएगा नहीं, खाली ऑप्शन मिल जाएंगे। ओके, ये पेट्रोल में है, पहले CNG दिखाई थी जी, और 2013 है, सिंगल ओनर है, फुल इंश्योर्ड है, गाड़ी सिर्फ 35,000 चली है, कंप्लीट सर्विस रिकॉर्ड के साथ चली हुई है। ओके, बहुत मेंटेनमेंट और मेंटेन जो रखते हैं ना, उस टाइप से रखी हुई है, सारी सर्विस कंपनी से हुई है। ओके, ये अगर माइलेज की वगैरह की बात करें, उसमें CNG और पेट्रोल में मतलब कितने का? 1-2 किलोमीटर का सर डिफरेंस आता है। अच्छा। CNG में ज़्यादा देती है अभी। ओके, मतलब ये अपना 16 के आसपास देगी, 15-16 सिटी में देगी, हाईवे पे 17-18-19 अराउंड देगी। ओके, टायर वगैरह इस गाड़ी में क्या? टायर सर एज गुड एज न्यू है। गाड़ी में फीचर्स के दोनों में सेम है, इसमें कुछ चेंज आ जाता है? इसमें चारों पावर विंडो है, पावर स्टीयरिंग है, AC है, कंपनी ने कस्टमर ने जो है आफ्टर मार्केट टेस्ट एंड म्यूजिक सिस्टम भी लगाया हुआ है। ओके, रियर कैमरा के साथ। ओके, बहुत मिनट है, जो i10 अगर बाजार में देख रहा है, एक बार आके देखेगा, रिजेक्ट नहीं कर पाएगा, रिजेक्ट नहीं कर पाएगा, मतलब कमी नहीं मिलेगी कोई, बिल्कुल कोई कमी नहीं मिलेगी। ओके, और सर्टिफाइड तो और प्लस हो गई है, लेवल बढ़ गया सर्टिफाइड का। अब इसकी डिमांड की बात करते हैं, क्या है ये सर? प्राइस पड़ेगा 2,75,000 की रेंज में, 2,75,000, 2,75,000 रुपये की रेंज में, और छोटा मोटा वही मान सर ऑलमोस्ट फाइनल ही है, बाकी रिगार्ड बिल्कुल देखेंगे, मतलब कोई लेने का मकसद से अगर शोरूम पर आता है तो हो जाएगा, छोटा मोटा सर रिगार्ड करते हैं कि कस्टमर को ये ना लगे कि फिक्स प्राइस रखा हुआ है इसलिए। ओके, तो एक और सर स्विफ्ट, ये भी ब्रांड न्यू कंडीशन में आ गया आपने? डिजायर है सर, डिजायर, स्विफ्ट डिजायर 2019। ओके, VXI है, गाड़ी चली है सिर्फ 13,000 किलोमीटर, 13,000, और कलर भी सर काफ़ी ज़्यादा
फेमस, बड़ा स्पॉटी कलर है बहुत, जो कुछ हटके रखना चाहते हैं ना कलर, व्हाइट सिल्वर जैसे कॉमन अगर नहीं चाहते हटके रखते हैं तो बहुत अच्छा प्यारा कलर। ओके, टायर वगैरह भी कंपनी के लग रहे हैं? कंपनी के सर, 12,000 में क्या चेंज होगा, इसमें तो ब्रांड न्यू है, एज गुड एज न्यू है। कस्टमर ने आफ्टर मार्केट बकेट सीट कवर मैटिंग साइड बीडिंग स्पॉयलर्स वगैरह एसेसरीज थोड़ी लगवाई हुई है। ओके, और गाड़ी में कोई टचअप वगैरह है या अभी ओरिजिनल? टचअप सर हुआ हुआ है, दो बम्पर हमने स्क्रैच के कारण अभी कराए हैं, उस साइड डोर में एक नीचे स्क्रैच था वो कवर अप हुआ हुआ है, बाकी ओरिजिनल है। ओके, डीजल पेट्रोल? पेट्रोल। माइलेज वगैरह क्या आएगी? पेट्रोल में सर मारुति की कार्स की तो काफ़ी अच्छी होती है, 15-16 हाईवे पे 17-18 इजीली जाएगी। ओके, तो क्या डिमांड प्राइस रखा है सर इस गाड़ी का? 6,45,000, 6,45,000। 6,45,000 नहीं, कितने की आती है स्विफ्ट डिजायर अभी? ये 8.5 के बीच में बढ़ती है अभी। ओके, मतलब अपना 2,00,000 के आसपास का? हाँ जी, मिल जाएगा ऑफ। ओके, इसमें भी थोड़ा मान सम्मान सर देंगे, आओगे लेने ज़रूर। तो इस वीडियो की सर तीसरी आइटन, मतलब कलर के भी ऑप्शन है, आइटन है लेकिन कलर के भी ऑप्शन, मॉडल बहुत ऑप्शन है, प्राइस में वेरिएशन बहुत है सब में। ओके, और कलर और भी, ये जो कम रेंज में आज के लिए आजकल बहुत डिमांड में है कि लो बजट कार चाहिए जी, आइटन है 2009 का मॉडल, ये 2009 जी, पेट्रोल ओनली, 1.2 इंजन है ये भी। ओके, कापा में मैग्ना वेरियंट है। ओके, बहुत ही मेंटेन, सिर्फ 63,000 चली है, 63,000 कंप्लीट सर्विस रिकॉर्ड के साथ। ओके, चारों टायर न्यू है, ब्रांड न्यू है, दिख रहा है, सिंगल ओनर है कार जी, तो कुछ कराना नहीं है, बहुत मेंटेन कार है, अच्छी कंडीशन में। ओके, फीचर्स वही सेम कापा में जो थे? हाँ, चारों पावर विंडो, पावर स्टीयरिंग है। कोई टचअप या डेंट पेंट कोई पार्ट? ये सर 2009 है, आपको भी पता है इसमें टचिंग हुई हुई है, स्क्रैचेस थे, कवर अप। इंजन में तो कोई दिक्कत नहीं है? कोई एक्सीडेंटली, कोई पीस चेंज नहीं, कोई इशू नहीं है। ओके, मतलब इस पे सर्टिफाइड का स्टिकर इसलिए नहीं है क्योंकि 9 मॉडल को कोई भी कंपनी नहीं करती, 11 से अबव 2011 मॉडल के ऊपर जो होती है सारी सर्टिफिकेशन। ओके, तो इस गाड़ी का क्या प्राइस है? ये सर बहुत छोटा सा प्राइस है, 1,65,000, 2009 मॉडल, 1,65,000 रुपये। ओके, नेगोशिएबल है सर? ये ऑलमोस्ट बिल्कुल फाइनल ही है, फिर भी अगर कुछ हुआ छोटा मोटा बिल्कुल कर देंगे। ओके, तो 9 मॉडल भी गाड़ी मिल जाती है दोस्तों इतने कम पैसों में। ये सर मेन प्लस पॉइंट 1.2 इंजन मैग्ना जी, ये 40,000 महंगा आता था इंजन। अच्छा, एरा और उसमें कंपैरिजन नहीं करेंगे, इंटीरियर देखेंगे आपके व्यूअर जब वीडियो में, उनको पता लग जाएगा गाड़ी कैसी है। ब्रांड न्यू है, देख लिया होगा सबने सिनेमैटिक्स में। तो सर एक यहाँ पे स्विफ्ट डिजायर, डिजायर है सर, ये सीएनजी में है, सीएनजी में जैसे बहुत डिमांड आ रही है जी, 2014 का मॉडल है ये। ओके, सिंगल ओनर है, सिक्वेंशियल सीएनजी ऑन पेपर है जी, और फुल इंश्योर्ड है कार, गाड़ी चली है 43,000 विद रिकॉर्ड, चारों टायर ब्रांड न्यू डल गए हैं अपोलो के, काफ़ी अच्छी मेन कंडीशन में है, टच स्क्रीन सिस्टम कस्टमर ने बैक कैमरा के साथ आफ्टर मार्केट इंस्टॉल कराया हुआ। ओके, बाकी बहुत मेन कंडीशन में, मेन कंडीशन, कोई टचअप वगैरह? टचअप सर इसमें एक ये फेंडर हुआ है स्क्रैचेस के कारण और दो बम्पर हुए हैं, बाकी ओरिजिनल का, बाकी ओरिजिनल। ओके, गाड़ी में कोई और काम खर्चा तो नहीं है ना कभी लेने के बाद? सर सर्टिफाइड होती है इसीलिए है कि वो इंजन सारा चेकअप होगा, प्रॉपर इंजीनियर आके एक्सपीरियंस, पूरी रिपोर्ट मिलती है, पूरी ऑनलाइन रिपोर्ट मिलेगी, पूरी ऑनलाइन रिपोर्ट मिलेगी कि क्या दिक्कत थी या जो भी अपना जो भी चीज़ होगी उसमें मेंशन होती है, मेंशन होगी, कस्टमर वो आराम से पढ़ सकता है। ओके, तो क्या डिमांड है इस गाड़ी का? 4,10,000 भैया, 2014 मॉडल और 4,10,000 रुपये में आपको मिल जाएगी स्विफ्ट डिजायर, एक वो भी पहले डिजायर दिखाई थी और हाँ, एक ये डिजायर 19 है, ये मतलब ऑप्शन मिल ही रहे हैं लगभग, आइटन में मिल गए, सिर्फ डिजायर में मिल गए, और अब यहाँ पर एक सिल्वर होंडा अमेज, होंडा अमेज है सर ये। ओके, क्या डिटेल है गाड़ी का? गाड़ी डिटेल है भैया, दिसंबर 15 का मॉडल है। ओके, पेट्रोल ओनली है ये जी, गाड़ी चली है 36,000 विद कम्प्लीट सर्विस रिकॉर्ड। ओके, सिंगल ओनर कार है जी, बहुत ही आपको भी पता है होंडा की कार 2,00,000 किलोमीटर तक कुछ कहती नहीं, तो 36,000 तो रवा होती है, साथ की टायर्स हैं कंपनी के जी, बहुत मेंटेन कंडीशन में, मतलब मेंटेन है कि कंपनी से सारी सर्विस हुई। ओके, पेट्रोल? पेट्रोल ओनली। माइलेज वगैरह क्या आएगा? अप्रॉक्सीमेटली सर सिटी में 14-15, हाईवे पे 16-17 देती है, दे देगा। ओके, तो फीचर्स वगैरह क्या देखेंगे? ये वेरिएंट अपना क्या है? ये EX70 वेरिएंट है, चारों पावर विंडो, पावर स्टीयरिंग, एसी। ओके, आफ्टर मार्केट टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम बैक कैमरा के साथ लगा हुआ है, लगा हुआ है। ओके, इस गाड़ी में भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं? बिल्कुल सर, रवा भी नहीं हुई, 36,000 कुछ भी नहीं होता। ओके, गाड़ी इंसान बाद में देखता है, पहले इनका आगे शोरूम देखता है, क्योंकि शोरूम ही ऐसा बना रखा है जैसा कि मतलब लगता है एकदम ब्रांड न्यू शोरूम गाड़ी लेने जा रहा है, सेकंड हैंड का आपको मतलब दिमाग में नहीं आता कि सेकंड हैंड भी ले रहा है, तो क्या डिमांड है इस गाड़ी का? ये सर डिमांड है इसकी 4,10,000 जी, प्राइस जो देंगे 3,95,000 रुपये की दे देंगे, 3,95,000, मतलब 15,000 रुपये का ऑफ दे दिया इस गाड़ी पर। ओके, तो 395,000 में आपको ये गाड़ी मिलती है, और काफ़ी अच्छी गाड़ी, और जितनी भी गाड़ी देखी है दोस्तों काफ़ी अच्छी कंडीशन में पहले भी मिलती थी, और अब तो कार वाले से सर्टिफाइड मिल रही है, आप ऑनलाइन गाड़ी की डिटेल वगैरह देख सकते हैं, सर वो प्रोवाइड कर देंगे आप?
सर व्हाट्सएप बिजनेस कैटलॉग हमारे अवेलेबल हैं, जो भी नंबर आपके डिस्क्रिप्शन में आएगा जी उस पर कस्टमर अगर हमारा नंबर सेव करता है व्हाट्सएप पर प्रोफाइल पे क्लिक करता है तो कैटलॉग आना थी ऑप्शन। ओके अगर उससे नहीं ओपन हो पा रहा हाई का मैसेज करे कैटलॉग के लिए हमें रिक्वेस्ट करेगा तो हम कैटलॉग उसको प्रोवाइड कर देंगे सेंड कर देंगे। ओके तो ये अपना पूरा प्रोसेस है इनका फोटो और कैटलॉग देखने का। तो सर का वैसे एड्रेस वगैरह मिल जाएगा, ज़्यादातर तो कोशिश करें विजिट करें और गाड़ी देखें अंदर से बाहर से। फिजिकल क्या होता है सर, जो भी कस्टमर कार ऑनलाइन देखता है ना कि ओएलएक्स पे देखा सर ये प्राइस आ रहा है ये प्राइस आ रहा है जी, कार डिपेंड कंडीशन पे करती है। ओके एक्सीडेंटल जी, पेंट, इंजन, ऑनर, सीरियल और मेंटेन है कि नहीं कंपनी से, विद रिकॉर्ड चली कि नहीं नहीं चली, प्राइस में बहुत वेरिएशन आ जाता है इन चीज़ को देखते हुए। ओके प्लस कार में क्या खर्चा है जी। हम भी सर देखिए क्या होता है, जो आपके व्यूअर्स हैं मैं ये कहूँगा हम सेल के लिए आप पे डाल रहे हैं जी। अब मैं आपके व्यूअर्स से ये भी कहूँगा कि वो हमें अगर कार सेल करना चाह रहे हैं जी वो भी हम प्रोक्योर करेंगे बिल्कुल। ओके और अच्छे से अच्छा प्राइस ऑफर करेंगे उनको, जब वो सोल्ड होती हैं हम ट्रांसफ़र करा के ही कार देंगे। ओके तब तक के लिए किसी कस्टमर को डाउट हो हमें कॉल करेगा व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल, हम कार दिखाएंगे सर आपकी ये खड़ी है जी, उसकी हेडेक वैसे भी टेंशन फ्री हो जाएगा कि कार यहाँ खड़ी है। ओके अभी उसको कोई मतलब सेल परचेज और अगर कोई एक्सचेंज वगैरह करना चाहे, बिल्कुल सर एक्सचेंज अवेलेबल है, है मगर हमारा क्राइटेरिया फर्स्ट ऑनर ही होनी चाहिए, फर्स्ट ऑनर दिल्ली नंबर अच्छी कार मतलब हम देते हैं क्योंकि चाचा मोटर्स दिल्ली नंबर और फर्स्ट ऑनर में ही डील करते हैं। हाँ कोई एक्सचेंज करता है तो उसको भी काफ़ी अच्छे प्राइस पे उसकी गाड़ी लेकर और न्यू गाड़ी उसे दे दी जाएगी दूसरी जो वो पसंद करता है। तो इंश्योरेंस की फैसिलिटी है, किसी ने भी इंश्योरेंस करानी है कार की रिन्यू करानी है जी बिल्कुल, हमें अगर एक पिंग करेगा या आरसी की कॉपी भेजेगा हम वो भी अच्छे से अच्छे प्राइस में देंगे। ओके सर मेरे को बाहर से बहुत प्यार आता है दर्शकों का जी, मगर मैं एक चीज़ दिल्ली बताना चाह रहा हूँ कि दिल्ली से बाहर वाले के लिए दिल्ली नंबर ट्रांसफ़र के लिए हमें दिल्ली आईडी चाहिए होगा जी, एनओसी हम प्रोवाइड नहीं कराते। ओके हम ट्रांसफ़र पे ही कार सेल करते हैं, अगर उनका कोई रिलेटिव है जानकार कोई भी फ्रेंड नॉन कोई भी होगा जी उनका आईडी वो हमें प्रोवाइड कराएंगे। ओके तो हम ट्रांसफ़र करवा के उनको दे देंगे, कोई टेंशन नहीं है, मगर दिल्ली आईडी मस्ट है, मस्ट है, ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है दिल्ली आईडी दिल्ली नंबर ट्रांसफ़र के लिए। ओके तो और डिटेल के लिए सर से कांटेक्ट कर सकते हैं आप, नंबर वगैरह आपको मिल गया वीडियो में। तो आज की वीडियो में ये इतना सा 9-10 गाड़ियों का स्टॉक था, इंटरेस्टेड जो है कॉल कर सकता है। तो चलते हैं सर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।